नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्वाइपर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानने वाले दुरंतो एक्सप्रेस की सीरीज में चौथे एपिसोड में मुंबई सीएसटी हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस की सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल के साथ। तो दोस्तों इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखे। इस चैनल पर नए और इसी तरह की वीडियोज और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो के अंदर चल के आज कुछ नया जान लेते हैं। दोस्तों ये दुरंतो एक्सप्रेस भारत के दो और बिजीएस रेलवे स्टेशन को कनेक्ट कराती है। इस ट्रेन को 29 सितंबर 2009 से चलाया गया था। 12261 डाउन और 12262 अप इस ट्रेन का नंबर है। भारत की फाइनेंशियल कैपिटल को भारत की पहली राजधानी कोलकाता से ये ट्रेन कनेक्ट कराने में अहम रोल अदा करती है। दोस्तों ये ट्रेन मुंबई हावड़ा रूट की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। ये दुरंतो एक्सप्रेस मुंबई टू हावड़ा 1965 किलोमीटर का डिस्टेंस 27 घंटों में तय करती है, सिर्फ और सिर्फ 5 हॉर्स लेकर। दोस्तों ट्रेन अपने रूट में 345 रेलवे स्टेशन को स्किप करती है। वीक के 4 दिन ये ट्रेन चलती है दोनों रेलवे स्टेशन से, जैसे मुंबई सीएसएमटी से संडे ट्यूसडे वेंसडे और थर्सडे को चलती है और हावड़ा से मंडे ट्यूसडे वेंसडे और फ्राइडे को ये ट्रेन चलती है। दोस्तों इस ट्रेन को 2009 के रेलवे बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था और साल 2009 में ये फोर्थ नंबर की दुरंतो एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस हुई थी। उस साल देखा जाए तो 6 दुरंतो एक्सप्रेस बैक टू बैक इंट्रोड्यूस हो रही थी, जैसे अभी वंदे भारत एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस हो रही है उसी प्रकार दुरंतो एक्सप्रेस उस साल इंट्रोड्यूस हो रही थी। दोस्तों उस टाइम काफी क्रेज था दुरंतो एक्सप्रेस का, जैसे इस साल और अभी वंदे भारत एक्सप्रेस का क्रेज है, सेम वैसा ही क्रेज था उस समय भी। दोस्तों दुरंतो एक्सप्रेस भारत में नॉन स्टॉप रन के लिए जानी जाती है और इन ट्रेन में हॉल्ट सिर्फ लोकोमोटिव चेंज, क्रू चेंज इनके लिए ही होता है। दोस्तों इस ट्रेन का मुंबई साइड जाने आने के लिए इगतपुरी और कसारा में टेक्निकल हॉल्ट होता है। इगतपुरी से कसारा के बीच घाट सेक्शन के चलते ट्रेन में बैंकर्स लोगों को अटैच करने होते हैं और इसी के कारण इस ट्रेन का टेक्निकल हॉल्ट होता है दोनों रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों साउथ ईस्टर्न रेलवे इस ट्रेन को ऑपरेट करता है और ट्रेन में थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी क्लास के ही कोच लगे होते हैं, जिसे 12 थर्ड एसी के, 3 सेकंड एसी के और 1 फर्स्ट एसी क्लास का कोच लगा होता है। वही एक पेंट्री और 2 एयूजी कार के कोच भी लगे होते हैं, जो ट्रेन में टोटल 19 कोच होते हैं। दोस्तों ट्रेन फुल्ली एलएचबी रैक्स में आती है। दोस्तों ट्रेन का फेयर मुंबई सीएसएमटी से हावड़ा का एक एडल का थर्ड एसी में 3,835 रुपए होता है, सेकंड एसी में 5,270 रुपए होता है, फर्स्ट एसी में 6,625 रुपए होता है। और ट्रेन में कंफर्म टिकट आपको फर्स्ट एसी में 34 दिन पहले कराना होता है, सेकंड एसी में 22 दिन पहले रिजर्वेशन कराना होता है और थर्ड एसी में 21 दिन पहले रिजर्वेशन कराओगे तभी आपको कंफर्म टिकट मिलेंगी, नहीं तो आपको वेटिंग लिस्ट में या आरएसी में टिकट मिल सकती है। दोस्तों ट्रेन को ट्रैक्शन अभी सांतरागछी या टाटानगर सीट का WP7 लोगों को देता है, बट पहले हावड़ा सीट का WP4 लोगों को ट्रैक्शन देता था इस ट्रेन को। और मुंबई से कसारा तक इलेक्ट्रिफिकेशन ना होने के कारण कल्याण सीट का WCM3 लोगों को ट्रैक्शन देता था। दोस्तों ये ट्रेन 4 राज्यों से जाती है और 3 राज्यों के हॉल्ट्स लेती है, जैसे महाराष्ट्र के 2 हॉल्ट्स, छत्तीसगढ़ के 2 हॉल्ट्स और झारखंड का 1 हॉल्ट लेता है और ये सारे हॉल्ट कमर्शियल होते हैं। दोस्तों ट्रेन सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे और ईस्टर्न रेलवे जोन से पास होती है। ट्रेन के हॉल्ट्स भुसावल जंक्शन, नागपुर जंक्शन, रायपुर जंक्शन, बिलासपुर जंक्शन, टाटानगर जंक्शन होते हैं। दोस्तों ट्रेन में ऑलमोस्ट इन 7 रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट नहीं लेती है, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन इस रूट के मेजर रेलवे स्टेशन है, पर फिर भी हॉल्ट्स नहीं लेती है ट्रेन, जैसे मनमाड़ जंक्शन हो गया, अकोला जंक्शन हो गया, बडनेरा जंक्शन, गोंदिया जंक्शन, दुर्ग जंक्शन, झारसुगड़ा जंक्शन और खड़गपुर जंक्शन होता है, इस स्टेशन पर ये ट्रेन हॉल्ट नहीं लेती है। दोस्तों इन फ्यूचर हो सकता है इन रेलवे स्टेशन पर साउथ ईस्टर्न रेलवे हॉल्ट दे दे ट्रेन का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। दोस्तों आपको बता दूं ये दुरंतो एक्सप्रेस ऑलमोस्ट 18 ट्रेन को ओवरटेक करके अपनी जर्नी तय करती है, जैसे 12261 दुरंतो एक्सप्रेस टिटवाड़ा रेलवे स्टेशन पर 07429 मुंबई एलटीटी नांदेड़ स्पेशल एक्सप्रेस को थर्सडे को ओवरटेक करती है। ट्यूसडे को वासिंद रेलवे स्टेशन पर 07429 एलटीटी नांदेड़ स्पेशल एक्सप्रेस को ओवरटेक करती है। वेडनेसडे को थानसीट रेलवे स्टेशन पर 11081 एलटीटी गोरखपुर एक्सप्रेस को ओवरटेक करती है। कसारा रेलवे स्टेशन पर डेली जब चलती है उस समय 11401 नंदीग्राम एक्सप्रेस को ट्रेन ओवरटेक करती है। थर्सडे को इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर 15102 एलटीटी छपरा अंत्योदय एक्सप्रेस को ओवरटेक करती है। निफाड़ रेलवे स्टेशन पर 12107 एलटीटी सीतापुर एक्सप्रेस को वेंसडे और 12173 उद्योग नगरी एक्सप्रेस को वेंसडे को ओवरटेक करती है। उगांव रेलवे स्टेशन पर थर्सडे को 12153 एलटीटी रानी कमलावती एक्सप्रेस को ओवरटेक करती है। दोस्तों पारस रेलवे स्टेशन पर 12139 सेवाग्राम एक्सप्रेस को ये ट्रेन डेली ओवरटेक करती है जिस दिन भी ट्रेन चलती है। उसी प्रकार रसमड़ा रेलवे स्टेशन पर 08861 गोंदिया झारसुगड़ा मेमू को भी ओवरटेक करती है जिस दिन ये चलती है। दुर्ग जंक्शन पर 08
16 अंतागढ़ रायपुर डेमू को भी ओवरटेक करती है जिस दिन ये ट्रेन चलती है। कुमारी रेलवे स्टेशन पर 18238 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को भी ये ट्रेन ओवरटेक करती है जिस दिन भी ये ट्रेन चलती है। निपानिया रेलवे स्टेशन पर फ्राइडे को 20844 भगत की कोठी बिलासपुर एक्सप्रेस को ओवरटेक करती है और 20846 बीकानेर बिलासपुर एक्सप्रेस को भी ये ट्रेन ओवरटेक करती है। कापन रेलवे स्टेशन पर 13287 साउथ बिहार एक्सप्रेस को ये ट्रेन जिस दिन भी चलती है उस दिन ओवरटेक करती है। साथ ही ईब रेलवे स्टेशन पर भी जिस दिन भी ट्रेन चलती है 18478 कलिंग उत्कल एक्सप्रेस और 18110 इतवारी टाटा एक्सप्रेस को ओवरटेक करती है। और लास्ट फुलेसर रेलवे स्टेशन पर मंडे को 22305 बेंगलुरु जसीडा एक्सप्रेस को भी ट्रेन ओवरटेक करती है। दोस्तों 12261 दुरंतो एक्सप्रेस मुंबई से एमटी से 5:15 PM को डिपार्ट होती है और एक नाइट के बाद हावड़ा रेलवे स्टेशन पर 8:15 PM को अराइव होती है। सिमिलरली 12262 दुरंतो एक्सप्रेस हावड़ा से 5:45 AM को डिपार्ट होती है और एक नाइट के बाद 8:15 AM को अराइव होती है। दोस्तों इस दुरंतो एक्सप्रेस के टोटल 5 रैक्स होते हैं और ये ट्रेन अपने रैक्स 22808, 22807 सांतरागच्ची चेन्नई एसी सुपरफास्ट और 14x2 हावड़ा पुणे एसी दुरंतो एक्सप्रेस को शेयर करती है। इन तीन ट्रेन से अपने रैक्स ये ट्रेन शेयर करती है। दोस्तों ट्रेन की एवरेज स्पीड 73 KMPH तक होती है और मैक्स स्पीड 130 KMPH तक होती है। वही ट्रेन की टॉप हाई स्पीड मुंबई सी एस एम टी टू भुसावल जंक्शन तक होती है 100 KMPH तक और ट्रेन का लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप रन बिलासपुर जंक्शन से टाटा नगर जंक्शन तक का होता है। ट्रेन टोटल 468 किलोमीटर का डिस्टेंस 6 घंटे 5 मिनट में तय करती है और स्मॉलेस्ट नॉन स्टॉप रन रायपुर से बिलासपुर का होता है जहां ट्रेन टोटल 110 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे 31 मिनट में तय करती है। दोस्तों ट्रेन को रेल फैनिंग और सेफ्टी में एक्सलेंट रेटिंग मिलती है और क्लीनलीनेस पंक्चुअलिटी फूड और टिकट अवेलेबिलिटी में गुड रेटिंग मिलती है। ओवरऑल ट्रेन को 5 में से 4.2 की गुड रेटिंग मिलती है। अब जानते हैं ट्रेन का टाइम टेबल। तो सबसे पहले ट्रेन मुंबई सी एस एम टी से 5:15 PM को प्लेटफॉर्म नंबर 18 से डिपार्ट होती है। ट्रेन का पहला स्टॉप भुसावल जंक्शन आता है जहां ट्रेन 11 PM को प्लेटफॉर्म नंबर 5 या 6 पर आती है और यह ट्रेन 5 मिनट रुकती है। दूसरा स्टॉप नागपुर जंक्शन आता है जहां ट्रेन 4:10 AM को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आती है और यह ट्रेन 5 मिनट रुकती है। तीसरा स्टॉप रायपुर जंक्शन आता है जहां ट्रेन 8:22 AM को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आती है और यह ट्रेन 2 मिनट रुकती है। चौथा स्टॉप बिलासपुर जंक्शन आता है जहां ट्रेन 9:55 AM को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है और यह ट्रेन 10 मिनट रुकती है। पांचवा और आखिरी स्टॉप टाटा नगर जंक्शन आता है जहां ट्रेन 4:10 PM को प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आती है और यहां ट्रेन 10 मिनट रुकती है। और लास्ट हावड़ा जंक्शन पर ट्रेन 8:15 PM को प्लेटफॉर्म नंबर 20 पर आती है। तो दोस्तों ये रही इस दुरंतो एक्सप्रेस की, हावड़ा मुंबई सीएसएमटी दुरंतो एक्सप्रेस की। अब आपको नेक्स्ट वीक यानी कि नेक्स्ट थर्सडे को नागपुर दुरंतो एक्सप्रेस की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने को मिलने वाली है जो 5th नंबर से शुरू हुई थी दुरंतो एक्सप्रेस की सीरीज में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल पर नए और इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।